बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दो, और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो अपने बहुत से सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि आप जो वर्क करते हैं तो उसका सेटअप टूर मुझे दिखा दें, तो मैं वही दिखाने लगा हूँ आज के व्लॉग में। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हमारे चैनल के 28 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो आप ऐसे ही प्यार देते रहें, मुस्कुराते रहें, और आज वही चलते हैं अपने ऑफिस में, तो अपना ऑफिस का रिवील दिखाते हैं। तो चले चलते हैं। मैं अपने ऑफिस में मौजूद हूँ, तो आपको सब कुछ डिटेल में बताता हूँ कि कैसे कैसे मैनेज हुआ है। तो चले चलते हैं, देखते हैं। ये ऊपर स्टेबलाइजर पड़ा हुआ है, इससे मशीन, क्योंकि हाई वोल्ट की मशीन है तो इसी स्टेबलाइजर से चलती है ये स्पेशली। ये देखें, फ़ोटो स्टेट के लिए स्पेशल बनी है ये। इधर ये देखें, फ़ोटो स्टेट मशीन स्पेशली, ये सिर्फ इसके लिए, स्टेबलाइजर के लिए बनी, ये मशीन के लिए बनी है। तो ये मशीन है, ये तकरीबन आपको 1.5 लाख की रेंज में मिल जाएगी GTS से। ये देखिए, ये मैंने मशीन तकरीबन 1.5 साल हो गया है ली है, ये मशीन अभी फर्स्ट क्लास चल रही है। तो इधर ये कुछ बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, इधर ये देखें, ये बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, वो इससे मशीन चलती है, और बाकी सारा फंक्शन वगैरह। ये दीवार पर मैंने ये वॉलपेपर लगवाया है, ये तकरीबन ये पूरी दुकान में, ये पूरे ऑफिस में मेरे ना तकरीबन, ये मैंने दीवार पे वॉलपेपर लगाया है, और ये पूरे ऑफिस में तकरीबन मेरा 27,000 रुपया लग गया था। ये ऊपर से नहीं, ये छत पे भी यही वाला वॉलपेपर है, और ये चारों तरफ मैंने यही कराई है डिफरेंट टाइप की। ये देखिए ऊपर से नीचे तक की करवाई हुई है ये मैंने, और ये नीचे कुछ मशीन के पार्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं, और उसके ऊपर कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, उससे सफाई वगैरह की जाती है। ये दो लैपटॉप के बैग हैं,
तो ये पड़ी है हमारी सबसे मेन चीज़ डिमी। इसके ऊपर सूट डालकर उसे पूरा, ये मैं दिखा नहीं सकता आपको, तो इसके ऊपर सारे सूट पहना कर फिर उसको सेट कर कर पिक्चर निकाली जाती है। ये आएंगी, ये चेयर है मेरी, ये आपको 2500-2000 की मिल जाएगी चेयर आसानी से। तो ये आ जाएँ जी, ये हमारा एडिटिंग का लैपटॉप है जो मेरे पर्सनल यूज़ में है। तो इधर आएंगे, ये हमारा पीसी है जिससे जिस पर मैं वर्क करता हूँ अपना, और ये टेबल टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। तो नीचे कुछ एप्सन का प्रिंटर पड़ा हुआ है, नीचे एप्सन का प्रिंटर पड़ा हुआ है, तो कभी कभी अपना फ़ोटो निकालने का भी दिल कर लेता है तो उसके लिए रखा हुआ है, वो पर्सनल यूज़ में है। इधर मेरे पास दो LCDs पड़ी हैं, ये माउस और कीबोर्ड वो नॉर्मल किस्म का ही है। तो ये जी एक LCD, ये इससे थोड़ी सी बड़ी ये वाली है, ये बड़ी है थोड़ी सी ये वाली LCD, ये भी यूज़ में नहीं है। ये लैपटॉप है, इस पर मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, और ये PC पड़ा हुआ है मेरे पास 4i5 फोर्थ जनरेशन में। तो ये वाला जी, ये PC मेरा कमाल का PC है, ये बहुत अच्छा चलता है, सिस्टम वगैरह, और इसके ऊपर मैं सारी एडिटिंग वगैरह करता हूँ, इसमें फ़ोटोशॉप वगैरह सब पड़ा है। और ये लेंस पड़ा है मेरे पास सिग्मा का 70-300 mm लेंस है ये, इससे मैं अपना कोई फ़ोटो शूट करना हो तो इससे कर लेता हूँ, कहीं बाहर इलाकों में जाते हैं तो इससे मैं अपना फ़ोटो शूट कर लेता हूँ। और ये टेबल है जी, ये मैं अभी बात कर रहा था एप्सन के प्रिंटर की, ये एप्सन का प्रिंटर आप देख सकते हैं, ये एप्सन E60 प्रिंटर है, और ये इसका इंक का, और बस। और इधर पड़ा है मेरे पास पेपर वगैरह पड़ा हुआ है कुछ, और इधर मेरे पास है एक सिस्टम है, ये है लैपटॉप मेरे छोटे भाई का, वो इधर अभी गेमिंग करता है। तो इधर कुछ सफाई वगैरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, और इधर ये नीचे क्लीन वगैरह बिछा हुआ, और ये ऊपर फिर मैं आपको दिखाऊं, ये पर्दे लगे हुए हैं जो कि धूप से हमें राहत देते हैं। ये मैंने कुछ, ये अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की ये कुछ मैंने पिक्चर्स लगाई हैं, ये या हुसैन और अली, और इसमें सारे 12 इमाम हमारे आते हैं। तो ये कुछ चारे कुल ऐतुल कुर्सी और लोहे कुरानी और दुकान व मकान की खैर बरकत के लिए ये मैंने लगाए हैं। और ये इधर हमारे आते हैं सुनीब भाई की फ़ोटो, ये भी मैंने खुद बनाई है, और ये ऊपर एक LED लाइट लगी हुई है, वो तकरीबन फ्लोर लाइट है 50 वाट की, इससे फ़ोटो शूट बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स इधर ड्रॉअर में आते हैं, तो इधर मेरे कुछ गैजेट्स वगैरह पड़े हुए हैं, और कुछ ये एयरपोर्ट वगैरह चार्जर कैमरे का, और नीचे भी यही कुछ है, ये कैमरे का वो स्ट्रिप, और ये कुछ वायर वगैरह, और एक माउस पड़ा हुआ, और कुछ बिल बुक पड़ी हुई है जिसपे मैं बिल बनाकर बाज़ारों में देता हूँ। तो ये कुछ रबटे पड़ी हुई हैं तस्वीरों के ऊपर लगाने के लिए। तो बस ये सिंपल सा मेरा सेटअप हुआ है। और ये लेंस जो है ना, ये मैं कुछ अभी सेल कर रहा हूँ, तो जिसने लेना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए, आपको कुछ रियायत कर दूंगा मैं। सिग्मा 18-4 नाइकन, ये सिर्फ नाइकन के ऊपर लगता है क्योंकि मेरा फेवरेट कैमरा नाइकन का है, ये जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ये जो अभी मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये है D5300 कैमरा, तो इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ये मुझे मेरा फेवरेट कैमरा है। तो आपने मेरा ये सेटअप टूर देखा, तो आप कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको। ये बस नॉर्मल सा मेरा सेटअप टूर है, अभी मैं अपना एक रूम बना रहा हूँ, वो आपको नहीं दिखा सकता अभी मैं, वो जब कंप्लीट होगा तो फिर दिखाऊंगा आपको, वो VIP किस्म का बना रहा हूँ मैं, वो सिर्फ YouTube वर्क के लिए मैंने अपना पर्सनल रूम बनाया। ये तो एक ऑफिस है, बाहर निकलते ही हमारे घर के साथ ही ये सामने ही दुकान है मेरी, तो ये बस इसलिए मैंने इधर बनाई है, ये सिर्फ इसी काम के लिए, ये भी बस चंद ही दिनों का है मेहमान, इसके बाद ये भी छोड़ दूंगा, फिर अपना पूरा फोकस जो है वो मैं अपने YouTube के चैनल पे के ऊपर करूंगा।
आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सेटअप टूर कैसा लगा और अगले सेटअप टूर के लिए वेट करें आप, तो वो भी बहुत जल्द आपके खिदमत में हाजिर है। और बस यही आपको कहना था कि यार सब्सक्राइबर बहुत थोड़े आ रहे हैं, व्यूज़ तो आ ही रहे हैं तो सब्सक्राइबर बहुत थोड़े हैं, उसे भी बढ़ा दें प्लीज़। तो आप मेरे मुंह पर पसीना देख सकते हैं क्योंकि इस ऑफिस में एसी नहीं ना लगा, तो उसकी वजह से बहुत अंदर हीट हो गई है। तो खैर आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।